नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। देश भर में कई राज्यों में आज बुधवार को विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें झारखंड की 38 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं इसके परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। इसी के चलते कई प्रत्याशी और दलों की साख एकदम दांव पर लगी हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना पसीना बहाया, उसका फल आज उन्हें मतदान के रूप में मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं किन किन सीटों पर चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं और किन किन दिग्गजों की आज अग्नि परीक्षा है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। यहां पर सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि 6 बड़े सियासी दलों, 2 बड़े गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबला है। आइए जानते हैं वो कौन सी सीटें हैं जो इस चुनाव में सबसे हॉट बनी हुई हैं। महाराष्ट्र चुनाव की हॉट सीट्स: पोकरी, पचखड़ी, बारामती, वर्ली, माही, बांद्रा ईस्ट, अणुशक्ति नगर, मानखुर्द, शिवाजी नगर। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां दूसरे चरण में कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच मुकाबला है। यहां पर पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। दूसरे और अंतिम चरण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी के अलावा 500 से ज्यादा अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब 4 राज्यों में हो रहे उपचुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और उत्तराखंड की 15 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां पर 9 सीटों पर मतदान हो रही है। इन सीटों पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये सीटें जीतना बेहद जरूरी है। इसका सीधा असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। वहीं यूपी में जिन 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उसमें से यूपी उपचुनाव की 9 सीटें कौन सी हैं, चलिए बताते हैं। कटहरी विधानसभा सीट, करहल विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मझवान विधानसभा सीट, सीसामऊ विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, फूलपुर विधानसभा सीट, कुंदरकी विधानसभा सीट। तो वहीं पंजाब की बात करें तो यहां भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने केवल 3 ही सीटें जीती और अब यहां 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से पंजाब की 4 विधानसभा सीटें कौन सी हैं, चलिए बताते हैं। गिद्दड़, बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला। इसी के साथ केरल की पलक्कड़ सीट पर और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी मतदान हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी राज्यों की जनता अगले 5 साल के लिए अपनी नई सरकार चुनने, भाग्य विधाता चुनने के लिए किसे मतदान करेगी, किन मुद्दों पर मोहर लगाती है, किसके वादों पर यकीन कर मतदान करती है, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।